युगांधर महज एक कहानी नहीं, एक महागाथा है। वीर गाथा है एक ऐसे युग पुरुष की, जो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ते हुए उस युग पर अपनी वीरता की एक अमिट छाप छोड़ जाता है, युग का आधार बन जाता है और कहलाता है युगांधर। के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि डाकू दिन दहाड़े एसपी की हत्या करने लगे हैं और आतंकवादियों के डर से बांध का काम सालों से रुका पड़ा है और हमें खबर तक नहीं है। ये तो भला उस कलेक्टर का जिसने हमें ठीक वक्त पर बुला लिया, वरना हम तो यहाँ की पुलिस क्या कर रही है। प्लीज 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 सर, बागी कृष्णा और उसके साथियों को पकड़ना अब पुलिस के बस का नहीं रहा। क्यों 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 सर, डाकू कृष्णा ने पूरी फौज बना रखी है। सर, ही इज रनिंग अ पैरेलल गवर्नमेंट। कलेक्टर माथुर, 15 दिनों के अंदर अंदर कृष्णा डाकू के बारे में मुझे पूरी मालूमात चाहिए। इट्स एन ऑर्डर। मैंने उसके बारे में पूरी रिपोर्ट तैयार की है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। सर, यही है वो कृष्णा डाकू जिसने पिछले 10 सालों से भारतपुर जिले में आतंक फैला रखा है। सबसे पहले इसने पार्वती नदी के आसपास ड्रीम मेकर्स की जमीनों पर जबरन कब्जा किया। जब से वो डाकू बना है उसने तो हद ही कर दी है। देखिए मेरा मार मार के क्या हाल बना दिया है। अपनी दहशत से जिले की तरक्की के लिए बनाए जाने वाले डैम का काम रुकवा दिया। ये देखिए, पिछले 8 साल से ये बांध यूं ही जंग खा रहा है। इसी कृष्णा ने किशनगढ़ में हजारों गाँव वालों को सरकार के खिलाफ भड़काया, भारतपुर शस्त्रागार से सैकड़ों बंदूकें और गोला बारूद लूटा। वो जी 19 फरवरी को एक ट्रेलर हथियार भरकर हमने भेजे थे ना, वो भी काली घाटी पे कृष्णा डाकू ने ही लूटे थे। बड़ा जालिम आदमी है जी, पुलिस पर भी गोली चलाने से डरता नहीं है। और अपने खुद के कानून बना बना कर 126 गांव में समांतर सरकार चलाई। राम राम जनाब, ये देखिए कृष्णा कृष्णा डाकू ने क्या हाल किया मार मार के। मेरा पैर तोड़ दिया जनाब, पेट से उल्टा टांग कर जानवरों से भी बदतर मार मारी है कृष्णा डाकू ने। ग्रामीण बैंक के चेयरमैन कस्तूरी लाला की बेटी रोहिणी को अगवा करके उससे जबरदस्ती शादी की और अंधी ताकत के नशे में आकर एसपी बलराम सिंह की पत्नी का अपहरण किया और उस पर बलात्कार करने की कोशिश की, और जब इस कोशिश में नाकामयाब रहा तो दिन दहाड़े सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की हत्या कर डाली। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस आतंकवादी कृष्णा का किसी भी तरह से खात्मा कर दें, ताकि मेरे जिले की तरक्की हो सके। मुझे आज ही केंद्रीय गृह मंत्री से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे खतरनाक दुश्मन का खात्मा करने के लिए हमारी मिलिट्री का एक ही जाबाज ऑफिसर काफी है, कर्नल कबीर अहमद।
चाहिए, हम डाकू नहीं है, हम डाकू नहीं है। और आप हमें आपसे बात करने का मौका दें तो हम ये साबित कर सकते हैं कि हम डाकू नहीं है, ये तो समाज के कुछ दुश्मन। नो, हम सैनिक बहस करने नहीं बल्कि तुम जैसे दुश्मनों का सफाया करने आए हैं। कृष्णा डाकू, अगर तुम अपनी और अपने साथियों की जानें बचाना चाहते हो तो तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना हम पल भर में तुम्हें खत्म कर देंगे। कृष्णा, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। नहीं, 1, 2, 3 अटैक। अगर ये तो पुल के इस पर आ गई तो हम सब पल भर में खत्म हो जाएंगे। बाला अभी जिंदा है भैया, जिंदा। Thank you.
दुश्मन का खून बहाना खून खराबा नहीं होता, और तुम जैसा देशद्रोही। हम देशद्रोही नहीं है कर्नल, देशद्रोही नहीं है। पुलिस अफसरों की हत्या करने वाला देशभक्त होता है क्या? बांध का काम रुकवाने वाला समाज सेवक होता है क्या? गरीब गांव वालों पर दहशत फैलाने वाले महात्मा होते हैं क्या? अपनी सरकार से बगावत करने वाले स्वतंत्रता सेनानी होते हैं? बोलो, देख क्या रहे हो? Shoot me! Shoot me! नहीं, पागल मत बनो, फेंक दो बंदूकें, फेंक दो। और तुम इस धोखे में मत रहो कर्नल। अगर तुम सच में देश के दुश्मनों को मिटाना चाहते हो तो सच्चाई अपनी आंखों से देखो।